दोस्तों नमस्कार, मैं शिवराम सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल रियल टेक पर। दोस्तों सिविल स्कोर चेक करने के लिए आप लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती होंगी, क्योंकि काफ़ी जगह ऐसा होता है कहीं फीस पेड करनी पड़ती है, कहीं पे कुछ करना पड़ता है, लेकिन जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट में जो सिविल स्कोर बहुत ही कम चेक कर पाते हैं, ऐसे बहुत ही एप्लीकेशन या जो है पोर्टल हैं जहाँ पे हम जो अपना फ्री में सिविल स्कोर चेक कर पाएँ। सिविल स्कोर को क्यों चेक करना होता है, ये क्यों ज़रूरी होता है अपना जो है मेंटेन करके रखना, क्योंकि अगर आपका सिविल स्कोर डाउन होगा तो आपको किसी भी बैंक से लोन या फिर क्रेडिट कार्ड वगैरह आप लेना चाहते हैं तो आपको नहीं मिल पाएगा। तो सिविल स्कोर जो है बहुत ही ज़रूरी है अपना बना के रखना, जिसका स्कोर जो है सही होना चाहिए तभी आपको जो है क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना होगा और तभी कोई आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका सिविल स्कोर डाउन है तो आप जो है ना ही कोई लोन ले सकते हैं ना ही कोई क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। अब ये आप कैसे पता करेंगे कि हमारा सिविल स्कोर क्या है, तो इसके लिए जो है मैं आपको इस वीडियो में बताऊँ कि आप अपना सिविल स्कोर जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में चेक कर सकते हैं और जो है ये भी चेक कर सकते हैं कि आपने कितना कहां से लोन ले रखा है। ये सारा कुछ डाटा आपको जो है देखने को बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आपको बताते हैं वो कौन सा एप्लीकेशन है और हमें कहाँ से मिलेगा और क्या क्या उसमें करना रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों अपना प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। वहाँ पे जो है आपको सर्च करना है वन स्कोर। जैसे ही वन स्कोर सर्च करेंगे, देखिए वन करके एक एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो इसका आइकॉन कुछ इस तरीके से आएगा, आप इसे देख लीजिए। आप इसे जो है यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए, मैंने इंस्टॉल कर रखा है। तो हम जो है इसे डायरेक्टली ओपन करते हैं। ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से फर्स्ट टाइम ये देखने को मिलेगा, जहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया हुआ है चेक क्रेडिट स्कोर फ्री, उसके बाद दिया है इम्प्रूव स्कोर यूजिंग टिप्स, यानी कि यहाँ पे आपको टिप्स भी मिल जाएंगी जिससे कि आप अपना सिविल स्कोर बढ़ा सकते हैं। उसके नीचे दिया हुआ नो स्पैम और एड्स, यहाँ पे कोई स्पैम नहीं हो रहा है और ना ही कोई ऐड मिलेगा इस एप्लीकेशन में। नीचे दिया हुआ फ्री ऑफ लाइफ, यानी कि ये लाइफ टाइम के लिए आपको फ्री मिल रहा है। तो यहाँ पे नीचे आपको मिलेगा एक चेक माई स्कोर का, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आपको अपना एक मोबाइल नंबर दे देना है। तो चलिए हम फटाफट से यहाँ पर एक मोबाइल नंबर दे दे रहे हैं। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद नीचे आपको गेट ओटीपी का दिखेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगा जिसे आपको यहाँ पे फिल कर देना है। अगर आपका सिम इसी में डला है तो ये ऑटोमेटिक इस तरीके से फिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, उसके बाद फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम। तो चलिए हम ये डिटेल फिल कर ले रहे हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है हमने मेल आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंटर कर दिया, इसके बाद डन पे क्लिक कर लेंगे। डन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको कुछ इस तरीके से वेरिफिकेशन पेज दिखेगा जहाँ पे ये वेरीफाई करेगा, और इसके बाद जो है आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड दे देना है। तो यहाँ पे पैन नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालेंगे, इसके बाद जो है यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, ये सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं, क्योंकि पैन नंबर यहाँ पे इसलिए ज़रूरी होता है, आपका जो भी सिविल स्कोर होता है वो पैन नंबर से ही जुड़ा हुआ होता है। पैन नंबर अगर आप नहीं देंगे तो आपको सिविल स्कोर चेक करने को नहीं मिलेगा। इसके बाद नीचे नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद जो है यहाँ पे एड्रेस आ रहा है, एड्रेस आप चाहें तो इसे कुछ भी डाल दीजिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको रियल एड्रेस डालना है। उसके बाद नीचे अपना एरिया पिन कोड डाल दीजिए, और उसके बाद नीचे आ रहा रिट्राई, तो इस पर क्लिक कर लेंगे तो ये दोबारा से वेरिफिकेशन करने लगेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे, और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये ओपन होके आ गया है, जहाँ पे सबसे पहले देखिए 751 सिविल स्कोर हमारा ये दिखा रहा है। तो यहाँ पे सिविल स्कोर आप देख लीजिए, इसके बाद और डिटेल अगर देखना चाहते हैं तो नीचे नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अवेलेबल क्रेडिट आ जाएगा, करंट स्टेटस आ जाएगा, यहाँ पे जो आप ये चेक कर सकते हैं। इसके बाद फिर से नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे जो है एज ऑफ अकाउंट आ रहा है, ये अकाउंट से रिलेटेड है। इसके बाद फिर से नेक्स्ट करेंगे तो अकाउंट मिक्स से यहाँ पे आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो क्रेडिट इंक्वायरी आ गई है, तो यहाँ पे जो है क्रेडिट इंक्वायरीज मिल गई। इसके बाद फिर से नेक्स्ट करेंगे तो आप जो है पूरा लॉगिन करके अपने अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे सिविल स्कोर तो आपको ऊपर ही दिख जाएगा। आप बात करते हैं अगले फीचर्स की, तो यहाँ पे नीचे आपको चार्ट दिख रहा होगा, जो ग्राफ है यहाँ पे आपका सिविल स्कोर दिखाएगा कि आपका कब कितना डाउन हुआ, कब कितना अप हुआ। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपकी कितनी ईएमआई थी और कितनी उसमें से आपने टाइम टू टाइम पेड की है। जैसे कि हमारी 109 में से 81 दिखा रहा है, यानी कि 109 ईएमआई हमारी चल चुकी हैं जिसमें से हमने 81 जो है टाइम से पेड की है। अगर आप इनकी डिटेल देखना चाहें तो यहाँ पे एक बार जो एरो लग रहा है नीचे को, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मिसड पेमेंट आएगा, अकाउंट क्लोज टू डिफॉल्ट आएगा,
तो यहाँ पे किसी भी लिंक पे आप क्लिक कर देंगे तो आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आ रहा है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिखाएगा आपको, अकाउंट में आपसे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, और यहाँ पे आगे आपको दिखाएगा कि कितनी किस्तें आपकी हो चुकी हैं और उनमें से ऑन टाइम आपने कितनी पेड की हैं। तो यहाँ पे 22 किस्तों का टाइम पीरियड हमारा निकल चुका है, जहाँ पे हमने 7 पेड की हैं ऑन टाइम। ये ऑन टाइम है, इसका मतलब ये नहीं कि इसके बाद आपने जमा ही नहीं किए, यानी टाइम से आपने कितनी जमा आगे पीछे की हैं वो एक अलग बात है। यहाँ पे टाइम से आपने कितनी जमा की है वो आपको दिखा रहा है। टाइम का मतलब ये जिस डेट को आपकी किस्त जानी है उस डेट में आपने दी है या नहीं, उसके 2 दिन बाद दे दिए तब भी आपका यहाँ पे काउंटिंग में नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 22 में से 7 किस्तें आ रही हैं हमारी टाइम से पेमेंट, यानी कि हमारी किस्तें तो हर महीने पेड होती हैं लेकिन आगे पीछे हो जाती हैं, इसलिए यहाँ पे जो है सिविल स्कोर इसने डाउन किया है। इसके बाद कैनरा बैंक की बात करें तो यहाँ पे देखिए नीचे आपको दिख रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिख रहा होगा, और ऑन टाइम 21 में से 9 किस्तें दिखा रहा है जो कि हमारी एक दिन लेट पेड होती है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे भी जो है स्कोर डाउन हो गया है। और इसके बाद नीचे आ रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, देखिए यहाँ पे 4 किस्तों का टाइम हुआ, 4 किस्तें हमने टाइम टू टाइम पेड कर दी। यहाँ पे 4-4 आ रहा है, यानी कि हमने चारों किस्तें अपनी टाइम से पेड की है। इसके बाद फिर से कैनरा बैंक आ रहा है, यहाँ पे 1 और 1 आ रहा है, 1 किस्त हुई है और 1 हमने जो है चला दी है टाइम से। उसके नीचे फिर से देखिए स्टेट बैंक आ रहा है जिसमें 31 किस्तों में 31 किस्तें हमने टाइम टू टाइम पेड की हैं। उसके बाद फिर से कैनरा बैंक है, यहाँ पे देखिए 3 किस्तों में से 2 किस्तें हमने टाइम पे चलाई हैं। उसके बाद फिर से नीचे स्टेट बैंक है जहाँ पे 12 किस्तों में से हमने 12 किस्तें टाइम से चला दी हैं। तो यहाँ पे जितनी किस्तों का टाइम हो चुका है उतनी आपको शो करेगा और जितनी आपने पेड कर दी है वो आपको शो करेगा। इसके नीचे फिर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, देखिए 12 में से 12 किस्तें दिखा रहा है। फिर से SBI है, 3 में से 3 दिखा रहा है। इसके नीचे डाटा इनेबल उन अकाउंटों का आएगा जो अकाउंट आपके क्लोज हो चुके हैं। नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो है डाटा अनेबल आ रहा है, तो यहाँ पे जो है ये अकाउंट क्लोज हो गए हैं, इसलिए इन अकाउंटों का जो है आपको डाटा नहीं दिखाएगा क्योंकि ये अकाउंट ही क्लोज हो गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे तो आप देख सकते हैं हमने किस अकाउंट में कितनी किस्तें जो है डिले पेड की हैं या कितनी टाइम से पेड की हुई हैं। उसके बाद बैक आ जाते हैं, बैक आने के बाद जो है इसे फिर से क्लिक करते हैं तो ये हट जाएगा। इसके बाद नीचे लिमिट का आ रहा है, लिमिट पे क्लिक करेंगे एक बार ही हम। लिमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लोग क्रेडिट कार्ड का आ रहा है, तो इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने क्रेडिट कार्ड जितने ले रखे होंगे वो आपको दिखाएगा। हमारे पास सिर्फ एक है तो एक ही दिखा रहा है। बैक आ जाएंगे, यहाँ पे बैक आने के बाद जो है नीचे आएंगे तो यहाँ पे एज का आ रहा है, तो यहाँ पे एज वाले पे क्लिक करेंगे, हाई अकाउंट एज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपका कौन सा अकाउंट कितने टाइम से चल रहा है, यानी कि आपको लोन लिए हुए कितना समय हो गया है। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दिख रहा है जो एक्टिव दिखा रहा है, 2 ईयर हो गए हैं, 2 साल हो गए हमें लोन लिए हुए। कैनरा बैंक का यहाँ पे 1 साल 10 महीने दिखा रहा है, और स्टेट बैंक का फिर से नीचे 6 महीने दिखा रहा है, कैनरा बैंक का फिर से 2 महीने दिखा रहा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एज भी दिखा देगा, यानी आपने कब लोन लिया हुआ है, कितना टाइम आपको लोन लिए हुए हो चुका है। तो यहाँ पे हर अकाउंट का आपको जो है टाइमिंग भी दिखा देगा। इसके बाद फिर से बैक चलते हैं तो एज भी हो गया, एज के बाद आता है अकाउंट। अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारे कितने अकाउंट जो है एक्टिव हैं, कितने क्लोज हैं, तो ये अकाउंट में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे और नंबर ऑफ अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखा देगा कि कौन से अकाउंट आपके एक्टिव हैं और कितनी लिमिट है, आपको यहाँ पे इस तरीके से ये दिखा देगा। स्क्रॉल करेंगे तो आपको सारे लोन अकाउंट यहाँ पे शो कर देगा। चलिए बैक आ जाते हैं और इसके बाद अगले फीचर की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रोफाइल है, प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे सारे अकाउंट यहाँ पे इकट्ठे दिखा देगा कि कौन से अकाउंट आपके एक्टिव हैं, कौन से क्रेडिट कार्ड एक्टिव हैं। तो ये प्रोफाइल से रिलेटेड है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। इसके नीचे माय कॉन्टैक्ट है, माय एड्रेस है। माय एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस दिखाई दे जाएगा। माय कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर से यहाँ पे आपको अपनी मेल आईडी, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर वगैरह यहाँ पे शो हो जाएंगे। चलिए हम बैक आ जाते हैं और सबसे नीचे बचता है इंक्वायरी का, तो इंक्वायरी अभी देखिए 0 दिखा रहा है। 30 दिन के अंदर हमने कोई इंक्वायरी नहीं की है और मैं अभी करने वाला भी नहीं हूँ, और आपको भी राय दूंगा कि इंक्वायरी मत कीजिए, इंक्वायरी करेंगे तो इंक्वायरी करने का कुछ ना कुछ पॉइंट जो है लैप्स हो जाता है, तो आपका सिविल स्कोर और भी डाउन हो सकता है। तो इसलिए मैं फ़िलहाल इंक्वायरी करके आपको नहीं दिखाऊंगा। बाकी ये सारे फ़ीचर्स हमने आपको दिखा दिए हैं, कितने काम के फ़ीचर्स हैं। पूरा आप अपना रिकॉर्ड देख सकते हैं, हमने कौन सी बैंक से कितना लोन लिया है, कब कितना जमा किया है, कितने पेमेंट हमारे ड्यू हैं, कितने रेगुलर चले हैं, सारा कुछ आप जो अपना यहाँ पे इस एप्लीकेशन की मदद से घर बैठे देख सकते हैं, और इसके हिसाब से आप जो अपना सिविल स्कोर सुधार सकते हैं। सुधार ऐसे सकते हैं जैसे कि अभी आपको दिखाया था मेरी कुछ EMI जो है डिले पेड हुई हैं, तो अब मुझे आगे फोकस करना है उन EMI पे कि जो हमारी EMI की डेट है उस डेट पे हमारी पेड हो जानी चाहिए। बेशक हम 2 दिन बाद पेड कर देते हैं लेकिन
उसका कोई रिजल्ट नहीं होता है, वो हमारा सिविल स्कोर डाउन ही हो जाता है। अगर वो ही किस्त हम दो दिन पहले जमा करते हैं टाइम टू टाइम, तो हमारा सिविल स्कोर ऑटोमेटिक जो है बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपको सिविल स्कोर से और लोन वगैरह से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है। तो इस एप्लीकेशन में बहुत बढ़िया फीचर्स दिए हुए हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर आपको कोई चार्ज भी नहीं देना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से ये एप्लीकेशन आपके लिए एक बहुत बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मुझे अच्छा लगा था तो मैंने सोचा आप लोगों को भी इस एप्लीकेशन के बारे में बता देना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है, आप इसे इंस्टॉल करें या ना करें, आप इसे यूज करें या ना करें, मेरा काम है आप लोगों तक जानकारी को पहुंचाना, वो मैंने आपको दे दी है। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इस एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ना ही मैं इस ऐप का कोई प्रमोशन कर रहा हूँ, ना ही कोई ये स्पॉन्सर वीडियो है। बाकी मुझे सही लगा था तो आप लोगों के साथ इसे शेयर कर लिया है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक से जरूर कर लेना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का एक सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकॉन दिखेगा एक छोटा सा, आपको उसे भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो लाते रहते हैं और आगे भी लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।